आज 14 जुलाई को ईटानगर एसपी कैपिटल रोहित राजबीर सिंह ने अरुणाचल प्रदेश से दो नाबालिग लड़कियों को चुराने के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन में दिल्ली में उत्तर पूर्वी लड़कियों को निशाना बनाने वाले अंतर्राज्यीय बाल तस्करी और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया। जो ये केस है जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ, काफी सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द नोन हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश पुलिस, जहां पे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिपार्टमेंट ने काम किया है, टीम ने काम किया है, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल असॉल्ट, प्रोस्टिट्यूशन, सोलिसिटिंग, इन सब एंगल्स पे कार्रवाई करते हुए, हर एक पहलू को टच करते हुए, हर एक ऑफेंस में जो अक्यूज्ड है उसको ट्रेस आउट किया गया है, और बाय फॉलोइंग एवरी लीगल प्रोसीजर उनको इसमें अरेस्ट या एप्रिहेंड, डिपेंडिंग अपॉन देयर एज ग्रुप, वो किया गया है। इस केस की शुरुआत होती है 10 जून 2024 को, जब वुमेन पुलिस स्टेशन के पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि दो बच्चों को किडनैप करके रखा गया है और ये पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों को स्टेट के बाहर भेजा जाएगा, एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा और उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होने के बहुत चांसेस है। ऐसी इंफॉर्मेशन डब्ल्यूपीएस के पास आती है। बिना वक्त जाया किए उस इंफॉर्मेशन पे काम करते हुए डब्ल्यूपीएस की टीम चिंपू की एक लोकेशन पे पहुंचती है और वहां पे एक घर में जाके एक लेडी से दो बच्चों को रेस्क्यू कराती है। अक्यूज कौन है, उनकी क्या डिटेल्स है, मैं धीरे धीरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताऊंगा, बट अभी जो नैरेटिव है उसको मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं। तो वो उन दो बच्चों को वहां से रेस्क्यू करती है डब्ल्यूपीएस की टीम। जब उन दोनों बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया गया, उस टाइम तक सिर्फ ये इंफॉर्मेशन थी कि इन दोनों को स्टेट के बाहर भेजा जा रहा है प्रोस्टिट्यूशन रिंग में इन्वॉल्व कराने के लिए। लेकिन जब बच्चों को रेस्क्यू किया गया तब उनसे बातचीत हुई, तब तक सिर्फ एक किडनैपिंग का केस हमने रजिस्टर किया। किडनैपिंग का केस रजिस्टर करने के बाद उन बच्चों से जब बात हुई, उन बच्चों को मैं मिस ए और मिस बी करके संबोधित करूंगा, उन दोनों बच्चों से बात करने के बाद ये पता चला कि मिस ए के साथ ऑलरेडी ये हीनियस क्राइम हो चुका है, वो ऑलरेडी ट्रैफिक हो चुकी थी, ऑलरेडी एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग का वो पार्ट बन चुकी थी और वहां से वो एस्केप करके आई थी वापस अरुणाचल प्रदेश, और अब दोबारा उनको उसी प्रोस्टिट्यूशन रिंग में धकेला जा रहा। मिस ए से बात करने के बाद ये पता चला कि वो एक 15 साल की एक बच्ची है, ईस्ट कामिंग के रहने वाली, एक मार्जिनलाइज सोसाइटी से बिलोंग करती है और बचपन से ही उनको डिफरेंट डिफरेंट हाउस होल्ड में दिया गया है एज अ हाउस हेल्प। उन्होंने जो रिवील किया उससे ये पता चला कि जिन जिन हाउस होल्ड में रही है उनके साथ वर्बल और फिजिकल असोल्ट हुआ है, और एक पर्टिकुलर इंसिडेंस उन्होंने रिवील किया जहां पे उस हाउस होल्ड के एक मेल मेंबर ने उनके साथ सेक्सुअल असोल्ट भी किया। इस संदर्भ में हमने एक केस भी रजिस्टर किया है उनके खिलाफ जो सेक्सुअल असोल्ट हुआ उस घर में, और उसके अंदर जो अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट भी किया गया है। दिस इज अ सेपरेट केस। यहां पे उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ उससे वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने अपनी एक जानकार जिनका नाम है मिस आपी ब्रे, आपी ब्रे भी इस कमिंग के रहने वाली हैं, आपी ब्रे से उनकी जानकारी हुई और उन्होंने उनको बोला कि मैं यहाँ बहुत प्रताड़ित हूं, मुझे यहां से बाहर निकाला जाए, किसी ऐसी जगह भेजा जाए
जहाँ पे मुझे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिले, जहाँ पे मैं कुछ काम कर सकूं और जिस तरह की जिंदगी में मैं जी रही हूं, इससे बेटर जिंदगी मुझे मिल सके। जब वो आप ही ब्रे के टच में आई तो उनको ये नहीं पता था कि आप ही ब्रे ऑलरेडी एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग में इन्वॉल्व है, और वो उस प्रोस्टिट्यूशन रिंग में एज एन एस्कॉर्ट एंड एज एन एजेंट काम करती हैं। आप ही ब्रे पिछले 8-9 साल से दिल्ली में रह रही हैं, अलग अलग जगह पे उनकी रिहाइश रही है। आप ही ब्रे ने इनको प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं आपको यहां से बाहर निकालूंगी और आपको दिल्ली ले जाऊंगी, वहां पे आपको मैं कुछ काम दिलवाऊंगी। बट एट द बैक ऑफ हर माइंड उनको ये था कि क्योंकि वो एक एजेंट है, तो अपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इस बच्ची को प्रोस्टिट्यूशन रिंग में धकेला जाएगा। ऐसा ही हुआ। लास्ट ईयर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आप ही ब्रे ने अपनी एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया जिनका नाम है मिमी बगाम। मिमी बगाम को जो चिंपू में रहती हैं, बताया गया कि मिस ए जो विक्टिम है उनको किसी भी तरीके से आपको अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली ट्रैफिक करवाना है। ऐसा बताया गया तो मिमी बगाम ने भी दोस्त की बात मानते हुए मिस ए को यहां से बाय ट्रेन दिल्ली भेजा। जो बच्ची यहां से दिल्ली गई इतनी उम्मीदों के साथ कि उनको वहां पे जाके कुछ काम मिलेगा, पहले उन्हें एक वेट्रेस की तरह लगाने की बात हुई कि आपको एक वेट्रेस की तरह लगाई है, यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। जब बच्ची वहां गई तो आपकी ब्रे ने अपने उस रिंग के जो किंग पिन है उनसे कॉन्टैक्ट किया जिनके लिए वो एजेंट है। जो उनके किंग पिन ने उनको बताया कि उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूं, किंग पिन जो है उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और मेरे पास खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडियन गर्ल्स की काफी डिमांड है, तो इनको आप मेरे पास भेजिए एंड वी विल इन्वॉल्व हर इन द फ्रेश ट्रेड। उनको फ्रेश ट्रेड में धकेला गया, मल्टीपल सेक्सुअल असॉल्ट हुए मल्टीपल लोगों के द्वारा। बहुत मुश्किल से थक हार के परेशान होके उन्होंने फिर आप ही ब्रेक को कांटेक्ट किया और उनसे ऑलमोस्ट भीख मांगी कि इस तरह की जिंदगी के लिए तो मैं यहां नहीं आई थी, तो मुझे प्लीज वापस भेजा जाए। इस साल के शुरू में बहुत मुश्किल से वो वापस अरुणाचल प्रदेश आई और यहां आके उन्होंने फिर से काम ढूंढना शुरू किया। फिर वो जिन हाउस होल्ड में गई वहां पे उनके साथ फिर से ठीक तरीके से बर्ताव नहीं हुआ। एज अ मेड उन्होंने काम ढूंढा, उनके साथ फिर वर्बल असॉल्ट हुआ, फिजिकल असॉल्ट हुआ, वो ठीक से काम नहीं कर पाए, तो थक हार के कोई चारा नहीं बचा उनके पास, उन्होंने फिर आप ही ब्रेक को बोला कि आप मुझे फिर से यहां से बाहर निकालो और मुझे चाहे दिल्ली भेजो लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगी। आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे दिल्ली भेजोगे, मेरी आपसे पुरानी जानकारी है, आप मुझे दिल्ली भेजोगे और आप मुझे कुछ डिसेंट लाइवलीहुड जिससे मैं अपनी चला सकूं ऐसा कुछ काम दिलवाओगे। तब आप ही ने उसे बोला कि ठीक है, उसको बहकाने के लिए फिर ये बोला कि ठीक है, मैं आपको कोई जैसे हमने प्रॉमिस किया था एक वेट्रेस की जॉब वैसी दिलवाऊंगी, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग, एक कंडीशन है मेरी कि यू विल नॉट गो अलोन, आप अपने साथ एक और नॉर्थ ईस्टर्न माइनर विक्टिम, अरुणाचली माइनर विक्टिम को साथ लेके जाओगी। उनके दिमाग में यही था कि अब अगर ये वापस जा रही है तो मैं कम से कम इसके साथ किसी और को भी भेजूं जो दोनों हमारे फ्लैश ट्रेड रिंग में काम आ सके। जब मिस ए को ये उन्होंने बताया तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा, उन्होंने अपनी उनकी यहाँ पे सेंकी व्यू में वो रह रही थी एक फैमिली के साथ, वहीं पर ही उन्होंने एक और आस पड़ोस में एक और विक्टिम है जिसको मैं मिस बी बोलूंगा,
जिसकी एज 16 साल है, जो कुरुमकुमे से बिलोंग करती है, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया और बोला कि मुझे पता है कि आपकी भी यहाँ पे जो कंडीशन है ज्यादा अच्छी नहीं है, मिस बी के साथ भी, मिस बी भी बचपन से ही डिफरेंट डिफरेंट हाउस होल्ड में एज मेड रही है, और उनके साथ भी फिजिकल वर्बल, और एक इंस्टेंस जो हमारे सामने आया है सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। मिस बी के अगेंस्ट भी जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसमें भी हमने एक सेपरेट केस रजिस्टर किया है, और उसमें भी जो अक्यूज्ड है उसको अप्रेहेंड किया गया है। बहरहाल उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपकी भी यहाँ कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप मेरे साथ चलिए, और मुझे प्रॉमिस किया गया है कि अगर हम दोनों जाएंगे तो हम दोनों को वहां पे एक डिसेंट लाइवलीहुड, वेटरेस की जॉब हमें दी जाएगी, जिससे हम अपनी जिंदगी शुरू से दोबारा संवार सकें। ये दोनों आपी ब्रे के कहने पे दोबारा मिमी बगांग के टच में आए और चिंपू पहुंचे। 11 तारीख को, 11 जून को इनको यहां से अरुणाचल प्रदेश भेजा जाने वाला था, अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली भेजा जाने वाला था, ताकि वहां पे जाके ये उसी फ्लैश स्टेट में जा सके। और 10 जून, एक दिन पहले, डब्ल्यूपीएस के पास खबर आई और एन वक्त पे इन दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जब बच्चों ने ये सब बातें बताई तो हमें लगा कि ये अब इंटरस्टेट ट्रैफिकिंग रिंग हो गया, तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें एक डिस्ट्रिक्ट लेड इन्वेस्टिगेशन टीम की जरूरत है। तो डब्ल्यूपीएस की जो टीम है, लेड बाय ओसी, डब्ल्यूपीएस इंस्पेक्टर रीना सोनम एंड हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, एंड हमारा जो कुछ डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट डिटेक्शन टीम है लेड बाय सब इंस्पेक्टर सुशांत, इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। और इंस्पेक्टर निश रूपा, जो हमारे इनिशियल जो किडनैपिंग हमने केस रजिस्टर किया था, उसी के अंदर हमने प्रोस्टिट्यूशन के और पॉक्सो के सेक्शंस लगाए, और इंस्पेक्टर निश रूपा और एसआई सुशांत की टीम यहां से दिल्ली के लिए रवाना हुई आज से 2 हफ्ते पहले इन्वेस्टिगेशन पर्पजेस के लिए। जब ये टीम दिल्ली पहुंची तो अभी तक हमारे पास सिर्फ मिमी बगांग थी, उनको हमने मौके से अरेस्ट किया था और उनका हमारे पास स्टेटमेंट था, बाकी सारे लोग अभी हमारे लिए अननोन थे। जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली जाने के बाद इन्होंने सबसे पहले आपी ब्रे का पता लगाया। आपी ब्रे, या उनको वहां अलग अलग नामों से जाना जाता है, आपी ब्रे एलियास रोशनी ब्रे एलियास बेगम बेगम ब्रे, इन नामों से जाना जाता है, इनका सबसे पहले पता लगाया। संगम विहार करके एक इलाका है दिल्ली में, इनकी पोजीशन लोकेशन वहां पे आई, बहुत ही कम ही घर पे अवेलेबल रहती थी, क्योंकि एज एन एजेंट काम करती थी जिस ट्रैफिकिंग रिंग के लिए, उसके काम के लिए इनको मोस्टली घर के बाहर रहना पड़ता था। तो इन पे वॉच लगाया गया और फिर सही टाइम पे आपी ब्रे को अप्रेहेंड किया गया। आपी ब्रे के अरेस्ट के बाद और इनके इंटरोगेशन के बाद वहीं पर दिल्ली में हमारी टीम को ये पता चला कि इस प्रोस्टिट्यूशन रिंग का जो किंग पिन है वो एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है जीत खत्री। जीत खत्री एक 59 ईयर्स का नेपालीज इंडिविजुअल है जो हमारे देश में 30 साल से रह रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसके पास हमारा भी आधार कार्ड है और नेपाल का भी एक रेजिडेंट कार्ड है उसके पास। जीत खत्री मुनिरका नामक एक जगह पे काफी टाइम से रह रहा है, और मुनिरका से वो एक ब्रॉथल नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स के लिए एक सेक्स रैकेट, और सिर्फ अपने यहां ब्रोथल ही नहीं कि उसके यहां पे काम होता है, वो सप्लाई ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न
गर्ल्स, बी एड अडल्ट्स और बी एड माइनर्स, इस फील्ड में वो काम करता है। उसका मोडस ऑपरेंडी बहुत खास है। लोकेंटो करके एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, वो एक फ्री क्लासिफाइड एड्स की एक वेबसाइट है, आप उस पर अपना एड डाल सकते हैं। लोकेंटो पे उसका एड है, उस एड के थ्रू लोग जीत खरीद तक पहुंच सकते हैं और देयर ओन सेक्सुअल डिजायर्स। उससे व्हाट्सएप पे बात होती है लोगों की, वो इवन हमारी विक्टिम के भी फोटोज एक्सचेंज किए गए हैं थ्रू व्हाट्सएप उन्होंने, और व्हाट्सएप पे ही डॉक्यूमेंटेशन का, फोटोज का एक्सचेंज होता है और लोकेशंस डिसाइड होती हैं कहाँ पे आना है कहाँ जाना है। कई बार असोल्टर्स, सिर्फ हमारे केस में ही नहीं, जिस तरीके का वो ये रिंग रन कर रहे हैं, असोल्टर्स उनके घर पे आते हैं जो उनकी लोकेशन है, वहां पे असोल्ट होता है और बच्चों को या अडल्ट को जो भी उनके टच में है उनको इन असोल्टर्स के घर भी भेजा जाता है। हमारे केस में क्योंकि माइनर विक्टिम थी तो जो भी कैश फ्लो होता है वो जीत खत्री और आपी इन दोनों के बीच में बांटा जाता है। ये इंफॉर्मेशन जब हमें मिली तो हमने जीत खत्री के ऊपर वॉच लगाई और लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करके जीत खत्री को वहां से अप्रिहेंड किया। जीत खत्री के अप्रिहेंशन और अरेस्ट के बाद जीत खत्री की इंटरोगेशन शुरू हुई। काफी दिन तक वो इंटरोगेशन चला क्योंकि आप समझ सकते हैं ऐसे लोग बहुत हार्डन्ड होते हैं और जो काफी सालों से इसमें इन्वॉल्व है वो जल्दी अपनी चीजें रिवील करते नहीं है। खैर, टीम ने कड़ी मेहनत की और इसके बाद हमें एक अक्यूज्ड का पता चला जिसने हमारी विक्टिम के साथ, माइनर विक्टिम के साथ, थ्रू दिस प्रोस्टिट्यूशन रिंग सोलिसिट किया और उसको असॉल्ट किया। इस अक्यूज का नाम है सुशील कुमार एलियस बल्लू एलियस अभय जाट, जो शाहपुर जाट करके एक जगह है दिल्ली में, वहां पे रहता है। ये पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर है। इसका हमें पता चला और फिर इस पे वॉच लगाई गई और मौका देख के इसको अप्रिहेंड किया गया। जब इसको अप्रिहेंड किया तो उसके बाद ये पता चला कि ये डायरेक्टली हमारे जो प्रोस्टिट्यूशन रिंग के किंग पिन है और एजेंट्स हैं उनसे ये टच में है और रेगुलरली और भी नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स के साथ इनके कनेक्शंस हैं। इसके इंटरोगेशन में एक और नाम आया जो क्रॉस वेरीफाई हुआ जीत बहादुर जो किंग पिन है उससे, और वो है एक एडवोकेट जिनका नाम है रघुनाथ मेनन। ये ओरिजिनली केरला से हैं बट करीबन 25-30 साल से ये दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। लाजपत नगर में इनका ऑफिस है और गाजियाबाद में इनका घर है और दिल्ली के हर एक कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के साथ ही अफिलिएटेड है। इनका नाम उभर के आया कि ये भी एक असोल्टर है जिन्होंने हमारी विक्टिम मिस ए के साथ इनके खुद के चेंबर में जो लाजपत नगर में प्रेजेंट है वहां पे हमारी बच्ची के साथ इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया। जब इनका नाम आया तो टेकिंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज इनटू ड्यू कंसिडरेशन इनको भी अप्रिहेंड किया गया, इनको भी अरेस्ट किया गया और ये पूरा लिंक स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पे जो हमारी बच्ची है, बच्ची से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो मिमी बगांग है जो यहाँ से उनको ट्रैफिक करने वाली है, वहां से लेके आपी ब्रे जो उधर एजेंट है ट्रैफिकर है, वहां से जीत खत्री जो इस पूरे रैकेट का किंग पिन है, वहां से अभय जाट जो असोल्टर है और आखिरी कड़ी रघुनाथ मेनन जो भी एक असोल्टर है, वहां तक ये पूरी कड़ी हमारी समाप्त हुई।
इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो दोनों बच्चियों के साथ यहाँ अरुणाचल प्रदेश में उनके घरों में, जिन घरों पे वो काम करती थी, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उनमें सेपरेट केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और उनमें भी दो लोग, एक अरेस्टेड है एक अप्रिहेंडेड है। तो अब तक हमने 3 केस रजिस्टर किए इस पूरे रैकेट में, और जिसमें टोटल 7 लोग, 6 लोग अरेस्टेड और एक अप्रिहेंडेड है। इस प्रोस्टिट्यूशन रिंग वाले केस में जो 5 लोग, मिमी बगांग, आपी ब्रे, जीत खत्री, अभय जाट और रघुनाथ मेनन, ये 5 लोगों को अरेस्ट करने के बाद, इनमें से मिमी बगांग को जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया है, उनका टाइम पूरा हो गया था, और बाकी 4ों को हमारी टीम दिल्ली से लेके कल ही लौटी है, और आज इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। इस पूरे रैकेट में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो बच्चे हमारे हैं उनके साथ ऑलरेडी हमारी स्टेट में फिजिकल, वर्बल और कहीं ना कहीं सेक्सुअल असॉल्ट ऑलरेडी हुआ था। उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगे यहां से बाहर जाने के लिए, कभी स्टेट से बाहर गए नहीं है। तो जब स्टेट से बाहर गए, जैसे भी उन्हें बहलाया फुसलाया गया कि आपको एक बेटर जिंदगी दी जाएगी, तो वो स्टेट से बाहर जाने के बाद कोई चारा नहीं उनके पास, वहां किसी को जानते नहीं है, जिस कॉन्टैक्ट के थ्रू गए हैं वो खुद एक एजेंट है। उसके बाद मिस ए को, मैं मिस ए की जैसे बात करूं तो उनको उस ट्रैफिकिंग में धकेला गया। मिस बी के साथ भी यही हाल होने वाला था। अगर एन वक्त पे उनको 10th को रेस्क्यू नहीं किया जाता और 11th को उनके टिकट्स भी बुक थी, अगर वो ट्रैफिक हो जाते तो काफी मुश्किल था, जब तक कि बच्चों की तरफ से बाद में कभी आउटरीच नहीं आता। बहुत मुश्किल था ऐसी इंफॉर्मेशन भी आना और इस पर काम भी करना, ये पूरा रैकेट खुल पाना। तो जिन भी सोर्सेस से हमें इंफॉर्मेशन आई, आप में से ही कोई पब्लिक सोर्स है वो, इस माध्यम से मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे पिछले केस में भी हमें पब्लिक से एक इंफॉर्मेशन आई थी जिसकी वजह से पूरा केस खुला, इस बार भी हमें एक पब्लिक इंफॉर्मेशन आई है। जिस तरीके का हम रिलेशनशिप पिछले 1 साल से आपसे, पब्लिक से बनाना चाह रहे हैं, ये उसी का एक टेस्टमेंट है कि पब्लिक का जो भरोसा अब हम पे जताया जा रहा है, कि आगे से आके हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिस पे हम काम कर सके और उनके भरोसे को मेंटेन रख सके। साथ ही साथ ये बड़ा इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्ची यहां से बाहर गई है और एक ट्रैफिकिंग रिंग का पार्ट है, तो केवल 2 ही असॉल्टर्स नहीं होंगे, वो तो हमें विद इन द लास्ट 2 वीक्स की इन्वेस्टिगेशन में जो सामने बातें आई उससे पता चला है, और भी असॉल्टर्स होंगे, और भी लोग इस रिंग में इन्वॉल्व होंगे। हमारी तरफ से ये अश्योरेंस है कि बहुत ही सिस्टमैटिकली, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बहुत ही सिस्टमैटिकली एक एंगल को हम प्रूव कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रैफिकिंग टू सोलिसिटिंग टू असोल्ट टू किडनैपिंग, एवरीथिंग। एक एक एंगल पे जो जो लोग हमारे सामने आते जाएंगे, नो मैटर कि वो हमारी स्टेट में है या किसी और स्टेट में है, वी विल कंटिन्यू टू टारगेट देम। एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ क्लियर मैसेज दैट कैपिटल पुलिस वांट्स टू गिव, दैट इफ आर किड्स आर विक्टिम्स ऑफ सच हीनियस क्राइम्स, सेक्शुअल असॉल्ट, ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, देन हूसोएवर इज इन्वॉल्व, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ही बिलोंग्स टू, ही विल बी कॉट सूनर और लेटर। जो हमारी टीम है, हमारे साथ बैठी हुई है हमारे SDPO केंगो देची, OCWPS रीना सोनम, सब इंस्पेक्टर सुशांत, लेडी सब इंस्पेक्टर रोजी सिंह, सब इंस्पेक्टर टोपी,
एंड ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर निश रूपा जो इस मेन केस के हमारे आईओ हैं, अलोंग विद आर ओन कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल संदीप बोम्बो, जितने लोग हैं हमारे, इन्होंने काफी मेहनत करके इस केस को क्रैक किया है और आगे भी सेम ही इंटेंसिटी के साथ हम यही कोशिश करते रहेंगे।